सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। सब्सक्राइब कीजिए लेजेंड बॉडी बिल्डिंग को, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही अपने रवि पवार की ओर से, जो कि कम्पीट करने वाले हैं शेरू क्लासिक में। तो भाई इन्होंने अपना रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर कर दी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अपने रवि पवार प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। और भाई मैं आपको बता दूं कि ना काफी समय से प्रो कार्ड की रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपने फिजिक में जो इम्प्रूवमेंट किया है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। बाकी भाई आप सबको क्या लगता है कि अपने रवि पवार इस बार शेरू क्लासिक में प्रो कार्ड जीत पाएंगे या नहीं, इससे रिलेटेड आप सबके क्या थॉट्स हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बता सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही अपने मनीष कुशवाहा की ओर से, जो कि कम्पीट करने वाले हैं अपने एस्थेटिक इंडियन क्लासिक में, जो कि भाई होने वाला है 16 मार्च को त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और भाई इनके कोच अपने सिद्धांत जायसवाल। रही बात इनकी फिजिक की, तो आप इनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। बाकी भाई इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है अपने इंडियन आईएबीबी प्रो रेफरी सिंह की ओर से। तो भाई इनकी तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि ना कल हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जिसका की रीजन ये बताते हैं कि भाई इन्होंने अपने शोल्डर में सर्जरी कराई है और ये नीचे लिखते हैं आई विल बी बैक। बाकी भाई इन्होंने अपनी सर्जरी से रिलेटेड ना कुछ ज्यादा अपडेट शेयर नहीं की है। बाकी भाई मुझे नहीं लगता कि अपने रफनी सिंह इस बार दिल्ली वाले प्रो शो में कम्पीट करेंगे, यानी कि भाई अपना एक इंडियन एथलीट तो भाई बाहर हो चुका है दिल्ली प्रो शो के। और भाई कल तक तो मैं खुद ही कह रहा था कि अपने रफनी सिंह आपको जल्दी स्टेज पर देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई आज ही अपनी सर्जरी की अपडेट हमारे साथ शेयर करते हैं। तो भाई बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है लैरी व्हील्स की ओर से, जो की एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है। तो भाई ये ना हमारे साथ कल अपडेट शेयर करते हैं की ये ना अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं और ये फिर से कम बैक करने वाले अपने बॉडी बिल्डिंग के करियर में, और ये जल्दी कम्पीट करेंगे किसी शो में। हालांकि इन्होंने अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट शेयर नहीं की है, ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे। अगर इनकी तरफ से कोई भी अपडेट आएगी वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है ब्लेसिंग ओबडू की ओर से। तो भाई इनकी तरफ से अपडेट लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो भाई इन्होंने अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड अपडेट शेयर कर दिया है कि 2023 में कौन कौन से कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने वाले हैं। तो भाई ये ना इस साल 3 प्रो शो में कम्पीट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कम्पीट करेंगे है चिकासो प्रो शो में, उसके बाद ये कम्पीट करेंगे टेम्पा प्रो शो, उसके बाद ये करेंगे टेक्सास प्रो शो में, और उसके बाद ये 2023 की एंड में कम्पीट करेंगे अपने मिस्टर ओलंपिया में। और रही बात इनकी फिजिक की, तो आप इनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। बाकी भाई मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सबको क्या लगता है कि अपने ब्लेसिंग कभी फ्यूचर में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत पाएंगे या नहीं, इससे रिलेटेड आप सबके क्या थॉट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वही बढ़ते अपनी लास्ट अपडेट की ओर, जो कि यार अपने मुकेश गहलोत गुरु जी की ओर से। तो भाई अपने मुकेश गहलोत गुरु जी ने अपने चेस्ट वर्कआउट को लेकर ना भाई बहुत ही स्पेशल टिप्स देते हैं, जो कि भाई मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, तो मैंने सोचा आपके लोगों के साथ शेयर कर दूं। चलिए वह देख लेते हैं। और हाँ भाई आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप सबको मुकेश गहलोत गुरु जी की टिप्स कैसी लगती हैं। पुशअप्स कोई वार्म अप की एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉपर आपकी चेस्ट की ट्रेनिंग है। कई बच्चे मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, जिम में आते हैं और उन्होंने शुरू में आते ही 8-10 सेट पुशअप के पहले रोज, चाहे स्क्वाट भी करनी हो, बैग लगाना हो, उन्होंने आते ही पुशअप करने, और वो समझते हैं ये वार्म अप के लिए। तो भैया जिस दिन चेस्ट लगानी हो उसी दिन पुशअप करें आप। स्टार्टिंग में लगाते हैं तो 10-10 के 3-4 सेट लगाएं वार्म अप के लिए, अगर आप इजी कर लेते हैं तो। अगर आप से इजी नहीं लगते तो फिर ये वार्म अप के लिए नहीं है, आप अपनी बेंच से शुरू करें। अगर आप फ्लैट सरफेस पे करेंगे तो आपकी ओवरऑल चेस्ट पे लोड आएगा, आप हाइट पे पैर रखेंगे तो आपके अपर चेस्ट पे ज़्यादा लोड रहेगा, और आपने लोअर चेस्ट पे करना तो फिर बार डिप्स लगाएं, वो आपके लोअर चेस्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा। तो इसको वार्म अप में ना लें, आपकी प्रॉपर चेस्ट की ट्रेनिंग है। डेली किसी मसल को ट्रेन नहीं करना आपने, जैसे और मसल को आप रेस्ट दे के ट्रेन करते हैं वैसे ही चेस्ट को भी। तो पुशअप वार्म अप के लिए नहीं लेना आपने बिल्कुल भी, ये प्रॉपर एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट की। थैंक यू। तो भाई आज के लिए बस इतनी अपडेट्स थे मेरे पास। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको कल किसी को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।